नमस्ते, दिस इज पूजा। वेलकम टू माई चैनल इंडियन ट्रेजर्स। टूडे आई एम शेयरिंग ए माउथ वाटरिंग स्नैक विच नो वन कैन रेजिस्ट। ट्राई दिस एंड इम्प्रेस योर गेस्ट विद दिस इजी टू मेक क्रिस्पी क्रंची वेज बुलेट। एंड द इंग्रीडियंट्स आर पोटेटोज 1 बोल बॉइल्ड एंड मैश्ड, ग्रीन कैप्सिकम 1 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड, ग्रीन पीस ब्लांच्ड 1/2 कप, कैरेट 1 मीडियम साइज ग्रेटेड, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट, ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, कॉर्नफ्लोर फॉर कोटिंग। सो फर्स्ट एड 1 टेबल स्पून ऑयल इन अ वोक, एड जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, सौते फॉर 1 सेकेंड, फॉलोड एड कैरेट, सौते फॉर 1 to 2 मिनट्स ऑन लो टू मीडियम हीट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कैप्सिकम। एंड पीस मिक्स ऑल टुगेदर। And mash the peas lightly. Now add turmeric powder, red chili powder and some salt. Mix everything. Cover the lid and cook it only for 1 to 2 minutes. Now it is done, let it cool down. Add potatoes. Bread crumbs, green coriander leaves, a little bit of salt. Keep in mind we have already added salt in our veggie mixture. Mix all together nicely. Now divide the mixture into equal portions and shape them like bullets. Coat the bullets in corn flour and fry them till golden and crispy.
It is done. Drain on kitchen paper. Now we'll make the honey sauce. Now heat 1 teaspoon oil in a wok. Add garlic and saute for 1 minute. Add red chili powder paste. Add 1/2 teaspoon red chili flakes. And add some water. Here I used 6 cloves of garlic finely chopped. Now add 1 teaspoon lime juice and 1 tablespoon honey. Add some salt and cook it for 1 minute. Now add the fried bullets to the sauce and mix lightly. Garnish with green coriander, serve hot and enjoy. Thank you for watching the video. Namaste, namaste. Welcome in Indian Treasures. This is Pooja. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक समोसा. A friend of mine told me to share this recipe. और होली भी आ रही है, so this is the best occasion. और वैसे भी होली इज इनकम्प्लीट विदाउट होम मेड समोसा इन माई हाउस. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे. यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है. अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. उतना ही डालना है जितना कि ये अच्छे से आटा बाइंड हो जाए. एक मुट्ठी में लेकर इसको चेक कर लेंगे. ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इतना ही ऑयल चाहिए. अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक. अब दोनों हाथों से सूखे आटे को ही थोड़ी देर रब करेंगे, इससे ऑयल और नमक सब एक अच्छे से मिक्स हो जाता है. ये सब दादी और नानी के सिखाए हुए नुस्खे हैं, मैंने तो ये अपनी सब मॉम से सीखा है. अब इसमें धीरे धीरे ल्यूक वार्म वाटर डालते हुए इसका एक टाइट सा डो बनाएंगे. डो रेडी हो गया है. अब इसको एक हल्के से भीगे हुए कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे. और मीनवाइल हम अपने फिलिंग को रेडी कर लेते हैं. अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे. और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे. तेल अच्छे से गर्म हो गया है. अब इसमें आएगा सबसे पहले 1/2 टीस्पून हींग और साथ में 1 टेबलस्पून जीरा. इसको अच्छे से भून लेंगे. साथ में डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट. इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे. यहां मैंने ये अदरक का 1 इंच टुकड़ा लिया था
और 4-5 हरी मिर्ची। अब इसमें जाएंगे हमारे आलू। ये करीब मैंने 400 ग्राम आलू लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और अब इसमें जाएंगे हमारे सभी मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और साथ में नमक एज पर योर टेस्ट। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं समोसे को बिना तले हुए, और फिर आप जब चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं। तो खूब देर इसको अच्छे से भूनना है मसाले को। अब ये सीजनिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसे ये प्लेन ही पसंद किए जाते हैं, प्लेन समोसा। तो मैं ये इसको ऐसे ही बना रही हूँ। बस अब ये अच्छे से भून गई है, इसको आप ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम अपने ये आटे से गोले बना लेंगे। आपको जितना बड़ा समोसा बनाना हो आप उतना आटा ले सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज के समोसे बना रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। और इसको बेल लेंगे ओवल शेप में। इसको थोड़ा थिक ही बेलना है। अब एक चाकू से इसको 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब एक पार्ट को मैदा और पानी का घोल इसको लगा देंगे। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून मैदा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल बना लिया था। इसको ये ट्रायंगल की शेप में मोड़ लेंगे और अच्छे से ये प्रेस कर देंगे। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। अब इसके किनारे पर ये अपना घोल लगा देंगे और एक साइड पर ये एक प्लीट बनाएंगे और फिर दोनों किनारों को जोड़ देंगे। इस प्लीट से एक समोसे की शेप बहुत अच्छी आती है। ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम अपने समोसों को डाल देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। इनको नैपकिन पर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी प्लेन समोसा रेडी है। इनको एंजॉय करिए हरे धनिये की चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ में। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी इजी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते, दिस इज पूजा। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ट्रेजर्स। आलू टिक्की इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड मेड विद मैश्ड पोटैटोज, पीज, अ फ्यू स्पाइसेस एंड एंजॉयड विद डॉलप्स ऑफ योगर्ट एंड चटनीज। एंड द इंग्रेडिएंट्स आर पोटैटोज 5-6 बॉइल्ड, पील्ड एंड ग्रेटेड, पीज 1 कप बॉइल्ड,
ginger 1 inch grated, green chilies 2 finely chopped, coriander powder 1 teaspoon, asafoetida 1 pinch, dry mango powder 1/2 teaspoon, red chili powder 1 teaspoon, salt and finely chopped fresh coriander leaves. Let's start. So first, add asafoetida. Ginger, green chilies, dry mango powder, coriander powder, red chili powder, coriander leaves, and some salt into the peas and mix very well and mash them slightly. I have added some salt in the potatoes earlier. So now apply some oil on your palm and take a ball size dough. Make a hollow center and place the green peas filling . Seal the edges on the top. Roll gently between your palms and flatten slightly. Heat 1 teaspoon desi ghee on a non-stick skillet. Place the tikkis and begin to pan fry them. The base is crispy. Flip the tikki. And press them slightly. Apply some more ghee. And fry the second side till crispy and golden. For make them more crispy, keep them on sides and place some more tikkis. Apply 1 teaspoon desi ghee. Whenever I make this tikkis, my childhood memories are refreshed as my mom used to make these on puri thi. Our aloo tikki crisp nicely. Sprinkle some chaat masala and some coriander leaves. Garnish with pomegranate seeds and serve hot with coriander dip, yogurt, tamarind dip, chaat masala, and enjoy. Namaste, this is Pooja from Indian Treasures. Today I will show you makke ki tikki. I learned this from my mother-in-law. This is a very healthy snack for winter and easy to make. Have a look at the ingredients. Maize flour 2 cup, potato 2 medium size boiled and grated, coriander leaves 1 cup finely chopped, green chili 2 to 3 finely chopped, red chili powder 1 tablespoon and salt. First, for the dough, combine everything in a bowl. Mix everything and add water slowly and knead a dough.
The dough should be soft like this. Now take a small ball sized dough and place it in the middle of your palm. Press it with the other hand and flatten it like this. Make all the tikkis the same way. This will be a perfect homemade gift if you are expecting guests. Heat oil. Fry on medium flame till the tikkis come up to the surface and float. Here I am using mustard oil. Now turn them. And fry till golden brown. It is done. Place them on a tissue. Makke ki tikki is ready. Serve hot with coriander dip or Indian pickle. Hope you like the video. Please subscribe to my channel and like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye. Namaste, this is Pooja. Welcome to my channel, Indian Treasures. Paneer tikka is a very popular appetizer made with paneer cubes and vegetables marinated in Indian spices. So try this different style tikka on New Year Eve and surprise your friends and family with your culinary skills. And the ingredients are cottage cheese or paneer, 300 gram cut in 2 inches cubes, red and yellow bell peppers, onion and tomato, 2 cup cut in 2 inches cubes, mint leaves 15 to 20, ginger garlic paste 1 tablespoon, turmeric powder 1 teaspoon, cumin seeds 1 teaspoon, mustard seeds 1 teaspoon, red chili powder 1 teaspoon, split Bengal gram 1 tablespoon, split black gram 1 tablespoon and salt. Let's start. So first marinate the paneer. With turmeric powder. Red chili powder. Ginger garlic paste. And some salt. For 25 minutes. Add 1 tablespoon oil in a bowl along with cumin seeds and mustard seeds and let it crackle. Now add 4 to 5 dry red chilies, saute for a minute. Now I am going to add both the lentils. Saute for 1 to 2 minutes. Now add mint leaf. And some salt. And again saute for 1 minute. It is done. Let it cool down. Now grind in a mixer jar. And make a coarse paste. Add the veggies in the bowl and the grounded mixture
and combine all gently. Now it is coated very nicely. Preheat the oven at 200 degree for 10 minutes. Skewer the paneer. Tomato, onion, bell peppers pieces alternately. Following the same for more skewers. Skewers are ready. Bake for 12 to 15 minutes. Now change the setting. Upper rod on and grill for another 4 to 5 minutes. Our herb tikka is ready. Drizzle some lime juice and serve hot with your favorite dip. Happy New Year to all of you. Namaste, this is Pooja. Welcome to my channel Indian Treasures. Today I am sharing an evening snack made with potato stuffing. But first I would like to announce the winner of our last series recipe Aapki Cooking Hamari, Miss Gunjan for Breaded Bread. She has won an Amazon voucher worth 1000 rupees and Mr. Aditya, his Rasmalai recipe gets a voucher worth 500 rupees. Thanks a lot to all the other participants for sharing their recipes with us. So let's start. And the ingredients are semolina 1 cup, all-purpose flour 1/2 cup, green coriander 1 tablespoon finely chopped, ginger garlic green chilies paste 2 tablespoons, onion 1 small finely chopped, potatoes 3 medium size boiled and mashed, oil 2 tablespoons, salt, milk 1/2 cup. So first mix all-purpose flour, semolina, some salt and oil in a bowl. Now add milk slowly. And knead to make a tight dough. The dough should be tighter than the regular roti dough. Now cover the dough with a moist cloth and keep aside for 15 minutes. Now we'll prepare the stuffing. For that, combine potatoes, green coriander, ginger garlic chili paste, onion, and salt as per your taste, and mix all together. When my sons were kids, I used to make this for them. Now it is done. And make a cylindrical shape cutlet. Knead again for a minute. And then divide the dough into small lemon sized balls. Flatten the ball
एंड मेक अ सर्कल लाइक शेप विद अ रोलिंग पिन. Keep a potato cutlet. Roll the dough. Press the edges and twist like this. We'll make the remaining likewise. Now deep fry them till golden brown. These are so crispy. Serve hot with tomato sauce or any other dip of your choice. Thank you for watching the video. Namaste, this is Pooja. Indian Treasures में आपका स्वागत है. आज की रेसिपी आई है सीधे इंदौर की गलियों से. Yes, the staple dish इंदौरी पोहा. इसे हमारे साथ शेयर किया है मिस नेहा ने, जो होम मेकर है और साथ ही बिग फूडी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए हमने लिया है पोहा 2 कप, प्याज 1 मीडियम साइज, चॉप्ड हरी मिर्च 2 फाइनली चॉप्ड, मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टीस्पून, नींबू का जूस 4 to 5 टेबल स्पून, हींग 1/4 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, रतलामी सेब 1/4 कप, मसाला बूंदी 1/4 कप, सॉल्ट, हरा धनिया 1/4 कप, कुछ अनार के दाने गार्निशिंग के लिए. सबसे पहले पोहा को धोकर उसका सारा पानी निकाल देंगे. पोहा धोने का तरीका आप मेरी वाइट पोहा की वीडियो में देख सकते हैं. अब एक बोल में ये धुला हुआ पोहा डालेंगे और इसमें हल्दी स्प्रिंकल करेंगे, चीनी डालेंगे और नमक डालेंगे. और इसको हल्के से मिक्स करेंगे. अब एक हैवी बॉटम की कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे. अब इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, सौंफ डालेंगे और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर. बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली डिश है ये. अब इसमें पोहा ऐड करेंगे. और बहुत ही जेंटली इसको मिक्स करेंगे. अब इसको ढक देंगे और कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर. हमारा पोहा रेडी है. अब इसको एक बोल में असेंबल करेंगे. तो सबसे पहले इसके ऊपर नींबू का जूस डालेंगे
प्याज को स्प्रेड करेंगे। मसाला बूंदी डालेंगे। हरा धनिया से गार्निश करेंगे इसको। रतलामी सेव डालेंगे, आप कोई भी सेव ले सकते हैं। और लास्ट में इस पर अनार के दाने डालेंगे। देखिए कितने कलरफुल ये लग रहा है और कितनी जल्दी ये बन गया। और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। तो हमारा इंदौरी पोहा रेडी है। धन्यवाद नेहा हमसे इस फेमस रेसिपी को शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले फ्राइडे को एक और अमेजिंग आप ही की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते, दिस इज पूजा फ्रॉम इंडियन ट्रेजर्स। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द क्रिस्पी टेम्पटिंग बरुलाज फ्रॉम अलीगढ़ मेड विथ पोटेटोज। इट इज़ अ गुड स्टार्टर और इवनिंग स्नैक्स। एंड द इंग्रीडियंट्स आर पोटेटोज 7 to 8 मीडियम साइज बॉइल्ड एंड पील्ड, ग्राम फ्लोर 1 कप, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, कैरम सीड्स 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून एंड सॉल्ट। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऐड गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कैरम सीड्स एंड सॉल्ट इन द ग्राम फ्लोर एंड मेक अ स्लाइटली थिक पेस्ट विद वाटर। Add water slowly. Make sure that the batter should not be so watery. This is the consistency. Add the potatoes in the paste. And deep fry them till golden brown. This is a perfect evening starter or snacks during this lockdown period. It is done. Take out them on a plate. Now press them with a spoon spread green coriander dip over it . Our Aligadi Barula is ready . Serve hot. Thank you very much for watching. See you soon in next video. Namaste, this is Pooja from Indian Treasures. Today I am sharing a simple yet delicious and tasty recipe which you can motivate your kids to prepare in this lockdown period. And the ingredients are bread, 2 slices cut into strips, butter, 2 tablespoons, chili flakes, 1 teaspoon, garlic, 2 cloves grated, fresh sweet basil leaves 1 tablespoon, or you can use any herbs of your choice. So first grill the bread. Now add garlic chili flakes and fresh sweet basil leaves and mix it all together. Let's check the bread.
It is done. Spread the butter. It is very simple, and I am sure your kids would love this fireless cooking. Enjoy it with tea or coffee for choti si bhook. Hope you like the video. Please subscribe to my channel and like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye bye. Namaste, this is Pooja from Indian Treasures. Kebabs are delicious appetizers. Everyone loves to eat them with chutney or dips. Try out this instant veg chapli kebab recipe. For this, we will take maize flour, 2 cup, gram flour, 1/2 cup, rice flour, 1/2 cup, fresh fenugreek leaves, 1 cup, finely chopped, onion, 1 small, finely chopped, green chilies 2 to 3 finely chopped, garlic 6 to 7 cloves grated, ginger 1 inch grated, coriander powder 2 tablespoon, red chili powder 2 tablespoon, and salt. Combine all the ingredients in a bowl. Salt as per your taste. Add water slowly and make a smooth mixture. Our mixture is ready. Take out a small portion from this mixture and shape them into a small patties. Shallow fry them on medium heat until brown on both the sides. These crunchy kebabs are very easy to make and doesn't require much of your efforts. Take out these patties and enjoy with your favorite chutney or dipping sauce. Hope you like the video. Please subscribe to my channel and like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye. Namaste, this is Pooja from Indian Treasures. Poha heart is a shallow fried cutlet. It is an ideal party starter or kids snack recipe. And the ingredients are potato, 3 cup boiled and mashed, beaten rice, 1 cup, onion, 1 medium size, finely chopped, red chili flakes, 2 tablespoon, dry mango powder, 2 tablespoon, dry coriander powder, 2 tablespoon, rice flour, 2 tablespoon, chaat masala, 2 tablespoon, green and red chili, 2 tablespoon, and salt. First, soak the beaten rice in 2 cup water and keep aside for 1 to 2 minutes. Now sieve poha or beaten rice. Now mash beaten rice or poha. Add boiled potatoes, onion, coriander powder, rice flour, dry mango powder, chaat masala, red or green chilies, chili flakes, and salt as per your taste.
mix all together. Now grease hands with some oil. Take a small portion of the mixture. And make small patties. It is a very quick and easy snacks. If the guests are coming, you can make this. I will give them heart shape. The hearts are ready. Today is Valentine's Day and pyar ke roop anek. Definitely kids will love this poha or beaten rice. Hearts. Now shallow fry these hearts till golden brown. Flip them. Sprinkle some chaat masala. And serve hot with any sauce or dip of your choice. Hope you like the video. Please subscribe to my channel and like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye. Namaste. This is Pooja. Welcome to my channel, Indian Treasures. Today's dish is Nutri-Fries. This is an original dish of my brother Deepak and the taste is awesome. Have a look at the ingredients. French fries, 1 bowl. Black chickpeas, 1 bowl, boiled. Sweet curd, 2 to 3 tablespoons. Mung beans sprout, 1 bowl, blanched. Green coriander dip. The recipe I have already uploaded. Chaat masala, 1 to 2 teaspoons. First, take a bowl, add mung beans, black chickpeas, mix them, place French fries, add curd, green coriander dip. Sprinkle chaat masala. Garnish it with pomegranate seeds. Nutri-Fries is ready. Hope you like the video. Please like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye. Namaste. This is Pooja. Welcome to my channel, Indian Treasures. Today I am making curd toast. It is a very easy and quick evening snacks. Have a look at the ingredients. Toasted bread, 3 to 4 slices. Potatoes, 2 to 3 boiled and cut into round shape. Hung curd, 1/2 cup. Raisin, 15 to 20 pieces. Chaat masala, 1 tablespoon. Tamarind sweet dip, 2 tablespoons. Roasted cumin powder, 1 tablespoon. Save. And salt. Cut the bread into 4 pieces. Place the potatoes. And the raisin. Sprinkle the chaat masala.
रोस्टेड क्यूमन पाउडर, एंड सॉल्ट। नाउ प्लेस द कर्ड। स्प्रिंकल द सेव। And tamarind sweet dip. Garnish it with green coriander leaves. Serve immediately. Hope you like the video. Please like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye. Namaste, this is Pooja. Welcome to my channel, Indian Treasures. Today, I have to prepare quick and easy breakfast because I need more time to explore Germany. Have a look at the ingredients. Semolina or suji, 1/2 cup. Roasted potato, 1 medium size, finely chopped. Onion, 1 medium size, finely chopped. Mustard seeds, 1 tablespoon. Red chili powder 1 tablespoon, salt as per your taste, green chili 1 finely chopped, green coriander finely chopped, lemon 1/2, and water. Let's start. Take a pan, add 1 tablespoon oil in it, add mustard seeds, now add potatoes. Saute it 5 to 7 minutes. Now add onion. Saute it another 5 minutes or till golden brown. Now add green chilies. Saute it for 1 minute. Now add semolina, red chili powder, salt as per your taste, water. Here I use 2 glasses of water and lime juice. I prefer adding the lemon juice at this stage because it gets mixed well and the upma also comes out more fluffy. Cook it for 3 to 5 minutes or till it absorbs the water. Our upma is ready. Garnish it with coriander leaves. Hope you like the video. Please subscribe to my channel and like and share it with your family and friends. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye. Namaste, this is Pooja from Indian Treasures. These grilled cheese sandwiches are made of spinach and corn, packed full of delicious flavors and perfect for kids. And the ingredients are bread, 4 slices, spinach, 1 cup, finely chopped, corn, 1/2 cup, boiled chili flakes, 2 tablespoons, dried basil leaves, 1 tablespoon, butter, 1 inch, cheese slice, 1, and salt. First, combine spinach, corn, dried basil, red chili flakes, and salt. Mix all together. I have melted the butter. Spread butter on bread slices.
and place two of the slices on the tandoor. Now place spinach corn mixture. I am using brown bread. You can use any bread like multigrain bread, white bread or whole wheat bread. Spread cheese slice. Over the mixture. Cover with the remaining bread slices. Spread the butter. Grill till crisp and golden. Serve hot with any dip or sauce of your choice. Hope you like the video. Please do try and leave the feedback and subscribe my channel. See you next time with another recipe. Till then, bye-bye.